सपना सलार असिस्टेंट प्रोफेसर फार्मेसी गाजियाबादी एंड फाइटोकेमिस्ट्री टू दैट इज द डिफरेंट बेसिक मेटाबॉलिक स्टडी ऑफ डिफरेंट मेटाबॉलिकेज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट से मेटाबोलाइट इन दैट Uh, today in this video I will be taking up the acetate pathways So we will see what are the acetate pathways and how different metabolites are formed from the acetate pathways So the acetate pathways actually start from acetyl coenzyme a this is the starting material for the formation of uh, uh, for the formation of different metabolites uh, resulting from the acetate pathways the why I am saying acetate pathways is there are two types of acetate pathways in which acetyl coenzyme A is involved that is the acetate mevalonate pathway and the acetate melonate pathway, okay. the acetate mevalonate pathway and the acetate melonate pathway. These are the two pathways wherein the where the acetyl coenzyme A is entering and through this uh, acetyl coenzyme uh, A which is the starting material or the precursor compound uh, for these pathways different types of you can see.

यूनिट्स uh, होते हैं जिससे कि ये टर्पिनॉयल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है आइसोप्रीन यूनिट्स मतलब फाइव कार्बन कंटेनिंग यूनिट्स होते हैं सी फाइव एच एट यूनिट्स विच आर कॉल्ड एज द आइसोप्रीन यूनिट्स सो दीज डिफरेंट आइसोप्रीन यूनिट्स की कॉम्बिनेशन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्पिनॉयड्स की सिंथेसिस होती है तो क्योंकि आइसोप्रीन यूनिट्स इनकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं इसलिए हम इस पाथवे को आइसोप्रीनॉयड पाथवे भी कहते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द आइसोप्रीनॉयड पाथवे And the compounds are also called as the compounds which are the different metabolites which are formed are also called as the isoprenoid uh, isoprenoid compounds. plus there is also the formation of uh, steroidal compounds okay. So these uh, these terpenoidal compounds steroidal compounds all are uh, very useful they have a therapeutic action in the body. The secondary metabolites in uh, the secondary metabolites they have a use in the

ऑन बॉडी दे आर थेरेपिटिकली एक्टिव वेयर इज द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स लाइक प्रोटीन्स शुगर्स कार्बोहाइड्रेट्स ये कंपाउंड जो हैं ये थेरेपिटिकली एक्टिव नहीं होते हैं मतलब इनकी कोई थेरेपिटिक एक्टिविटी नहीं होती है बॉडी में और क्योंकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है वो थेरेपिटिकली एक्टिव होते हैं इसलिए उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उनको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशन में डिफरेंट फॉर्मुलेशन विच इन्वॉल्व द इन कॉर्पोरेशन ऑफ डिफरेंट मेटोबोलाइट्स फ्राम प्लान सोर्सेज तो उसमें यूज़ किया जाता है तो दे हैव गॉट सर्टन थेरेपिटिक एक्शन लाइक एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी डायबिटिक एंटी फंगल न बहुत सारे बहुत सारे जो है थेरेपिटिक एक्टिविटी इन मेटोबोलाइट्स की होती है तो एसिटेट बेवलोनेट पाथवे से मिल रहा है हमको टर्बिनॉयस एंड स्टीरोइड्स सिमिलरली एसिटाइट को ये जो है ये एसिटेट मेलोनेट पाथवे में भी एंटर करता है और एसिटेट मेलोनेट पाथवे में एंटर करके यहाँ पर ये बनते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स ओके दीज लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर फॉर्मड एज ए रिजल्ट ऑफ मेलोनेट पाथवे और ये और इन फैटी एसिड से फिर फर्दर आप देख सकते हैं बहुत सारे अदर कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है जैसे कि ग्लिसराइड्स फॉस्फोलेपिड्स ग्लाइकोलेपिड्स वैक्सीस ओके सो ऑल दीज आर फॉर्म फ्रॉम दीज फैटी एसिड्स सो दिस इज द एसीटेट मेलोनेट पाथवे देन वी हैव एसिटाइल कोएंजाइम ए व्हिच आल्सो एंटर्स इनटू द टीसीए सी ए साइकिल टी साइकिल में भी एंटर करता है और एंटर करने के बाद ये यहाँ पर आ, बहुत सारे इसके भी टीसीए सी साइकिल मतलब कि क्रैब साइकिल जो होती है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसके बहुत सारे इसके कुछ इंटरमीडिएट्स हैं जैसे कि ओक्सैलो एसिटेट हो गया या अल्फा कीटो अल्फाकिटोगलुटरिक एसिड हो गया दीज इंटरमीडिएट्स आर नाउ दे आर देन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स ओके प्लस फॉसफो इनॉल पायरुवे फॉसफो फॉस्फेट पाथवे और ग्लाइकोलिटिक पाथवे के भी कुछ इंटरमीडिएट्स हैं जो कि अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो टी सी एस आइकिल के इंटरमीडिएट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन में और अमाइनो एसिड्स से फिर आपको पता है कि अमाइनो एसिड्स डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की कॉम्बिनेशन से एल्कलॉइड्स की फॉर्मेशन होती है सो मेनी एल्कलॉइड्स आर फॉर्मड फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स ओके लाइक द ट्रू और प्रोटो एल्कोलॉयड सच टाइप ऑफ एल्कलॉइड्स आर फॉर्म फ्रॉम अमाइनो एसिड्स एंड ऑल्सो न्यूक्लिक एसिड्स की फॉर्मेशन भी यहाँ पर होती है सो देन एसिटेट पाथवेज में अब हम देखेंगे what are, what are दिस एसीटेट एसिटेट पाथवे का मैंने आपको बताया जो प्रिकर्सर कंपाउंड होता है वो होता है एसिटाइल को विच इज द एक्टिव फॉर्म ओके विच इज द एक्टिव फॉर्म एसिटेट जो है उसका एक्टिव फॉर्म है एसिटाइल को जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म से मिलता है पायरुवेट की फॉर्मेशन होती है ग्लाइकोलेटिक पाथवे में और उस पायरुवेट uh, से बनता है एसिटाइल कोम ए विच इज ऑप्टेन बाय द पायरुविक एसिड एंड विच इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस सेकेंडरी मेटाबोलाइड्स तो ये आपको ये आप जान ही गए हैं अभी कि एसीटेट मेवलोनेट पाथवे है जिसका इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट जो है वो होता है मेवलॉनिक एसिड तो इसीलिए इसका नाम भी है मेवेलोनिक एसिड पाथवे ओके क्योंकि एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट बनता है मेवलॉनिक एसिटेट मेवलोनेट पाथवे में जो कि होता है मेवलॉनिक एसिड और इसीलिए इसका नाम मेवलॉनिक एसिड पाथवे भी रखा गया है और इसी तरह से एसीटेट मेलोनेट पाथवे का इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट होता है मेलोनिक एसिड और इसीलिए इस पाथवे को मेलोन uh, मेलोनिक एसिड पाथवे भी बोला जाता है <coughs> Next. इसके इम्पोर्टेंट प्रिकर्सर्स जो हैं, जो कि इस पाथवे ड्यूरिंग दिस पाथवे देर आर टू इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर्स विच आर फॉर्म्ड जिससे कि फर्दर डिफरेंट डिफरेंट टर्पिन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि किस तरह से ये आइसोपेंटेनाइल पाइरोफॉस्फेट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज आई

सो दीज दो टू प्रिकॉर्स एक्ट एज एक्टिव आइसोप्रीन यूनिट्स दैट इज सी फाइव एच एट मैंने आपको बताया कि टर्पिनल कंपाउंड जो है वो आइसोप्रीन यूनिट्स के बने होते हैं दिस इज द आइसोप्रीन यूनिट सी फाइव एच एट और इन आइसोप्रीन यूनिट्स जो है ये इसमें भी आइसोपेंटनाइल पायरोफोस्फेट जो है इट इज अ फाइव कार्बन कंपाउंड दैट इज सी फाइव एच एट ओके एंड ऑल्सो डाईमिथाइल अलाइन पायरोफोस्फेट So, isoprene unit is the main building block of isoprenoids. This is what I have been telling you. Then, in the next point, this pathway contributes to about one third of the known secondary metabolites, like terpenoids, anthraquinones, naphthoquinones, glycosides, different types of glycosides. These are also, of course, anthraquinones. These are the glycosides. Then, the terpenoids and flavonoid derivatives. Okay. So, uh, these. Uh, इस एसिटेट मेवलोनेट पाथवे से ये सारे कंपाउंड्स की सिंथेसिस होती है स्पेशली द टर्पिनॉइड्स एंड सम फ्लेवेनॉइड कंपाउंड्स आल्सो एंड ऑफ कोर्स द स्टेरॉइडल कंपाउंड्स। नाउ सी पाथवे द एक्चुअल पाथवे व्हाट हैपेंस हियर इज दिस इज एसिटाइल को यू कैन सी दिस एसिटो एसिटाइल को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एसिटो एसिटाइल को दिस एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए ये बनता है दो एसिटाइल को मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से ओके इनके कंडेंसेशन से दो एसिटाइल को मॉलिक्यूल्स जो है वो कंडेंस होकर बनाते हैं एसिटो एसिटाइल को ओके now this acid or usko bolte hain hum aldol condensation right so this acetoacetyl coenzyme a now again combines with another molecule of acetyl coenzyme a okay? in this acetoacetyl coenzyme a another molecule of acetyl coenzyme a is added to form hydroxy methyl glutarate or it is also called as beta hydroxy beta methyl glutarate बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटरेट हम इसको क्यों कहते हैं क्योंकि ये जो कार्बन है इसको हम बीटा पोजीशन मान मानकर और यहाँ पर देखिए किस तरह से ये कॉम्बिनेशन हो रहा है इससे ये बन गया ओ OH. एच ये ओ OH एच में कन्वर्ट हो गया और ये जो सी एच थ्री है ये यहाँ पर आ गया और ये जो एस सी ओ है ओ ए है ये एलिमिनेट हो गया दिस इज रिमूव्ड एंड दिस सी ओ सी एच थ्री नाउ विल गेट कंबाइंड हेयर ओके सो यू गेट हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटरेट और बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटरेट और यहां पर जो एनजाइम इन्वॉल्व है इसके सिंथिस में वो होता है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटरेट सिंथेस क्योंकि इस हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटेरेट की यहां सिंथेसिस हो रही है तो इट इज द एंजाइम इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटरेट सिंथेज नाउ थर्ड स्टेप सेकेंड स्टेप में देखिए एक्चुअली इट इज़ अ थर्ड स्टेप क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में तो जो एसिटाइल कोजाइम ए है दो मॉलिक्यूल्स की कंडेंसेशन से हमारे पास ये बना एसिटो एसिटाइल कोम ए और फिर सेकेंड uh, स्टेप में ये एसिटाइल को एक और मॉलिक्यूल एसिटाइल कोम ए का यहाँ पर कंबाइन हुआ और बना हाइड्रोक्सेमिथाइल ग्लूटरेट अब यह हाइड्रोक्सेमिथाइल ग्लूटरेट जो है ये कन्वर्ट होता है मेवलोनेट में ये मेवलोनेट जो है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट ऑफ दिस पाथवे द एसिटेट मेवलोनेट पाथवे क्योंकि इस मेवलोनेट से ही फर्दर जो है फॉर्मेशन होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं आइसोपेंटेनाइल पायरोफोसफेट और डाईमिथाइल मिथाइल एलाइल पायरोफोसफेट की सो so, मेवलोनेट जो है दिस मेवलोनेट इज फॉर्म फ्रॉम द हाइड्रोक्सीमिथाइल ग्लूटराइल ग्लूटरेट और हाइड्रोक्सीमिथाइल ग्लूटेराइल पायरुविक एसिड ओके सो फ्रॉम दिस हाइड्रोक्सीमिथाइल ग्लूट्रेट वी आर गेटिंग दिस मेवलोनेट बाई रिडक्शन ओके दिस इज अ रिडक्शन स्टेप जहाँ पर जो कोजाइम इन्वॉल्व है वो है एन ए डी पी एच ओके रिडक्शन की हेल्प से यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है मेविलोनेट ओके यू कैन सी दिस एस सी ओ ए इज गेटिंग रिमूव्ड हेयर एंड वी आर गेटिंग मेविलोनेट

5 फॉस्फो मेवलोनेट इज फॉर्म्ड ना आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस फाइव फॉस्फो मेवलोनेट यहां पर एक फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन हो गई इसके ही सेकेंड स्टेप में अब दोबारा से एक और एटीपी मॉलिक्यूल जो है यहां पर अपना फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करेगा और यहाँ पर दो फॉस्फेट ग्रुप्स uh, जो हैं वो अटैच हो जाएंगे ओके okay? सो so, जब ये दो फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे इसका नाम हम फिर देंगे फाइव पायरो फॉस्फेट मेवलोनेट ओके, सो दिस कंपाउंड कंटेनिंग टू फॉस्फेट ग्रोप्स इज कॉल्ड एज फाइव पायरो मेवलोनेट ओके, सो दिस फाइव मेवलोनेट अब इसकी डी होगी और डी से ये बनाएगा यहां पर आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉसफेट ओके डी कार्बोक्सिलेशन यहां पर इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है ओके एज यू कैन सी हेयर दिस इज अ डबल बॉन्ड हेयर दिस इज अ डबल बॉन्ड बींग फॉर्म्ड हेयर सो विद द फॉर्मेशन विद द रिमूवल ऑफ दिस वन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ दिस डबल बॉन्ड दिस आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉसफेट इज बींग फॉर्म्ड सो इसी तरह से जैसे आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉसफेट है उसी तरह से आ, इसका आइसोमर है जो कि आइसोमेरिज्म के थ्रू फॉर्म हुआ है आइसोमेरिज्म होती है इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में आप देख सकते हैं नीचे यहाँ डायमिथाइल एलाइल है जो कि कि आइसोमेरिज्म जो जो दोनों ये स्ट्रक्चर्स हैं आर द आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स और आइसोमेरिक कंपाउंड्स और जो एंजाइम uh, यहां पर इन्वॉल्व है आइसोमेरिज्म में दैट इज कॉल्ड एज आइसोमरेज एंजाइम ओके आइसोमरेज एंजाइम सो इस आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट इज फॉर्मिंग

Okay. Geranyl pyrophosphate is formed. This geranyl pyrophosphate, how many carbon compounds will it contain? Uh, because this is again, this is a 5 carbon compound, this is also a five, 5 carbon compound, so uh, uh, 10 carbon compound is being formed here, which is called as geranyl pyrophosphate. <coughs> From this geranyl pyrophosphate, uh, in this geranyl pyrophosphate, phosphate, one more isopentanyl pyrophosphate is added. मतलब कि एक और फाइव कार्बन कंपाउंड इसमें ऐड होगा और क्या बन जाएगा फिफ्टीन कार्बन कंपाउंड बन जाएगा विच इज कॉल्ड एज ओके नेक्स्ट नाउ एज आई टोल्ड यू इन दिस प्रीवियस स्लाइड यू कैन सी हियर जेरानाइल जेरानाइल इज दिस जेराइल पायरोनाइल इज अ टेन कार्बन कंपाउंड एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मोनोटर्पिन मोनोटर्पिन आर बींग फॉर्मड फ्राम द जेरानाइल पायरोफॉस्फेट मतलब कि जेरोनाइल पायरोफोस्फेट जो है दिस इज द मेन यूनिट विच इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मोनोटर्पिन्स मोनोटर्पिनस लाइक लिमोन और मैंथोल ओके सो दिज आर द मोनोटर्पिन्स आर बींग फॉर्म फ्रॉम जेरानाइल पायरोफॉस्फेट अ टेन कार्बन कंपाउंड तो इसके अंदर आइसोप्रीन यूनिट्स कितने हुए इफ दिज आर टेन कार्बन कंपाउंड द आइसोप्रीन यूनिट विल भी

see these mono terpenes sesquiterpenes di terpenes tetra terpenes these are all different types of uh, terpenoidal compounds yahum casactin these are the isoprenoid compounds because isoprene units are involved in the formation of these terpenoidal compounds or isoprene compounds okay. so farnesyl pyrophosphate is uh, formation ke baad, uh, these are involved in the formation of sesquiterpenes okay. Sesquiterpenes means, uh, uh, the example I can give you for this one is Zingiberene. Uh, Zingiberene okay. is one example of a sesquiterpene. So, different types of sesquiterpenes are formed. Now, after this formation of 15 carbon compound, is may ab ek or isopentanyl pyrophosphate add hoga or ban 20 carbon compound which is geranyl-geranyl pyro pyrophosphate. Okay. फिफ्टीन कार्बन कंपाउंड इसके अंदर एक और आइसोपेंटनाइल पायरो ट्वेंटी कार्बन कम्पाउंड सॉरी ट्वेंटी कार्बन कंपाउंड विच इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइटरपिनके सो जेनाइल पायरो हमें मिलते हैं मोनोटर्पिनसाइल पायरोन ऑफ से and geranyl geranyl pyrophosphate which is a 20 carbon compound is involved in the formation of diterpenes. Okay. now this geranyl geranyl pyrophosphate may a geranyl geranyl pyrophosphate ad hoga means 20 plus 20 carbon okay, 20 plus 20 will become 40 carbon compound so this 40 carbon compound is uh, called as the tetra terpenoids okay. these are the टेटरा एंड एग्जाम्पल फॉर दिस इज कैरोटीनॉइड्स ओके कैरोटीनॉइड्स मतलब जैसे कि आपको मालूम होगा डिफरेंट कैरोटिनॉइड्स आर नोन लाइक द इसमें कैरोटीनॉइड्स में बहुत सारे जो हैं जो प्लांट सोर्सेज हैं उनको एज नैचुरल कलर्स भी यूज़ किया जाता है ठीक है तो इसमें जो है कैरोटीनॉइड्स इसमें एग्जाम्पल हम ले लेते हैं लाइकोपिन का लाइकोपीन विच इज टोमैटो टोमैटो का जो कलर्ड सब्सटेंस है दैट इज लाइकोपीन विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कैरोटीनॉयड ओके सो ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी कार्बनस विल फॉर्म अ टेटरा टर्पिनॉइड एन एग्जाम्पल फॉर दिस इज द कैरोटीन्स नाउ यहाँ पर जो फिफ्टीन कार्बन कंपाउंड बना था ये फिफ्टीन कार्बन कंपाउंड के अंदर एक और फिफ्टीन कार्बन कंपाउंड मतलब कि एक और फारनेसाइल पायरोफॉस्फेट एडअप होगा और बनेगा स्क्वालीन विच इज अ थर्टी कार्बन कंपाउंड नाउ दिस स्क्वालीन फॉर्मेशन ऑफ दिस क्वालीन इज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्टीरॉयडल कंपाउंड ओके एंड ट्राई टर्पिनस ट्राई टर्पिनस ऑफ स्टीरॉयड्स जो हैं वो इसी स्क्वालीन से बनते हैं और ये स्क्वालीन जो है साइक्लाइजेशन इसकी जब हो जाती है तो इट फॉर्म्स अ साइक्लो परहाइड्रोफीन थ्री न्यूक्लियस विच इज फॉर्म्ड हियर बाई साइक्लाइजेशन ऑफ स्क्वालीन एंड दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरोड्स and also triterpenes are also formed from this squalene okay so triterpenes again these are the 30 carbon compounds so this is the formation of different types of terpenoids now acetate malonate pathway this acetate malonate pathway is again important not only for the biosynthesis of fatty acids and lipids but also polyketides okay polyketide pathway different pathway hai, but <coughs> acetate malonate path, uh, pathway say. जो फैटी uh, एसिड्स uh, और जो लिपिड्स बनते हैं ये तो हैं ही मेलोनेट पाथवे में बट पॉलीकेटाइड्स की फॉर्मेशन भी इस पाथवे के थ्रू होती है दीज पॉलीकेटाइड्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कंटेनिंग ऑल्टरनेट कार्बोनिल एंड मिथाइलिन ग्रुप्स सो दीज पॉलीकेटाइड्स दे आर केमिकली दे कंटेन दिन दे केमिकल स्ट्रक्चर दे कंटेन कार्बोनिल एंड मिथाइलिन ग्रुप्स दे फर्दर फॉर्म वेरियस एरोमेटिक कंपाउंड्स सो इन पॉलीकेटाइड्स की इंपॉर्टेंस क्या है कि इनसे बहुत सारे डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है नाउ सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स टेक प्लेस बाय डी कार्बॉक्सीटिव क्लेज एंड कंडेशन रिएक्शन स्टार्टिंग विद एसिटाइल को एनजाइम ए एज द प्रिकर्सर अब इसमें भी एसिटाइल को एंजाइम ए इन्वॉल्व होता है लेकिन इसके अंदर ये तो आपको मालूम ही है कि फैटी एसिड्स के सिंथेसिस में मतलब कि एसिटेट मेलोनेट पाथवे में Uh, जो है फैटी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की फॉर्मेशन होती है और स्टार्टिंग मटेरियल इसका भी एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है लेकिन इसमें इस एसिटाइल में एसाइल कैरियर प्रोटीन दैट इज़ ए सी जो है इसमें इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इस बातवे में क्योंकि जो एक्टिव फॉर्म है वो एसाइल कैरियर प्रोटीन के अटैचमेंट के बाद ही जो एसिटाइल कोज़ाइम है वो एक्टिव फॉर्म में आता है जैसे नेक्स्ट uh, स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये अटैचमेंट होता है और मेलोनाइल कोए मेलोनाइल को ए जो है वो भी मेलोनाइल ए uh, में कन्वर्ट हो जाता है जो ए फॉर्म uh, जो है इसका एसिटाइल uh, कोए -E का वो एक एक्टिव फॉर्म है और जब तक ए uh, की फॉर्म में वो कन्वर्ट नहीं होगा तब तक वो आपस में कम्बा कॉम्बिनेशन का नहीं होता सो so, As ACP, the acyl carrier protein, plays an important role in the formation of fatty acyl thioesters. Okay. So, these thioesters lead to the formation of fatty acids. Now, you can see this pathway. In this pathway, uh, see this acetyl coenzyme A, this acetyl coenzyme A is the precursor compound or the precursor substance or acetyl coenzyme A, this is coming directly from the uh, uh, glycolytic pathway. ठीक है टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स दैट द एसीटाइल कोम ए विच इज़ फॉर्म फ्रॉम पायरुविक एसिड और विच इज फॉर्म फ्रॉम द पायरुवेट विच इज़ द एंड 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 सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द ग्लाइकोलिटिक पाथवे उससे ही एसिटाइल कोजाइम ए बनता है डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज में जाता है एसीटेक मेवलोनेट पाथवे इससे हम पहले हमने डिस्कस किया ठीक है उसमें जाता है और टी सी ए साइकिल में भी इन्वॉल्व होता है एसिटाइल कोजाइम ए प्लस यहाँ पर एसीटेट मेलोनेट पाथवे में भी इन्वॉल्व है, है ये और इसमें एसिटाइल को को ए जो है दिस फॉर्म्स इसकी जो है कार्बोक्सिलेशन होती है एसिटाइल को एनजाइम ए की कार्बोक्सिलेशन से मेलोनाइल को एनजाइम ए की फॉर्मेशन होती है और मेलोनाइल को एनजाइम ए आप देख रहे हैं कि मेलोनाइल को एनजाइम ए में ये कार्बोक्सिलेशन <coughs> से दिस इज Uh, the melonyl CoA formed. Now, this melonyl CoA and acetyl CoA first have to be converted to ACP. Okay, ACP attachment is very hai, otherwise, further reactions will not take place. So, acetyl CoA gets converted to acetyl ACP and melonyl CoA gets converted to melonyl ACP. Right? So, now acetyl ACP is formed, melonyl ACP is formed, these two will condense together to form acetoacetyl. ACP. So, formation of this acetoacetyl ACP is a very important step in the formation of different fatty acids which are further formed. Once this acetoacetyl ACP is formed, uh, the other you can see a number of fatty acids I have uh, mentioned here, these are formed from this acetoacetyl ACP. Now, once this acetoacetyl ACP is formed, a number of it will undergo a number of reactions. Uh, a series of reactions will occur here and the first fatty acid will, will form here which is palmitoyl acp okay palmitoyl acp is formed here because here acp attached to acp remove and it is getting converted further to palmitic acid okay so palmitoyl ac is formed and from palmitoyl ac palmitic uh, palmitoyl acp palmitic acid is formed okay this is the fatty acid which is formed here now this palmitoyl acp then further will form steroid acp okay. this will form steroid acp and this steroid acp will lead to formation of stearic acid from steroid acp uh, this oleoyl acp is formed and this oleoyl acp will lead to formation further it will lead to the formation of oleic acid okay or is oleoyl acp se fir hai lino लियोइल ए सी पी लिनो लिइल ए सी पी से बनता है लिनोलिक एसिड डिज आर ऑल द फैटी फॉर्मड फ्राम लिनोलि ए सी पी द लिनो लिनोइल ए सी पी इज फॉर्म्ड दिस इज लिनो लिइल ए सी पी एंड दिस इज लिनो लिनोइल ए सी पी दिस लिनोलिनोल ए सी पी विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लिनोलिक एसिड ओके दिस इज लिनो लिनोलिक एसिड दिस इज लिनोलिन लिनोलिनिक एसिड ओके So, this linolyl uh, lino ACP will further form arachidonyl ACP, arachidonyl ACP will then lead to the formation of arachidonic acid. Okay. So, arachidonic acid is also formed from this pathway. So, these are all the fatty acids which are formed here. And this is how the acetate mevalonate -melonate pathway occurs for the formation of different fatty acids.